नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर क्षेत्र में हूं और देख सकते हैं यहां पर गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद यहां के आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया है। और खासकर देखा जाए तो नवगछिया और इस्माइलपुर को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग जो है उस पर पानी ओवरफ्लो हो गया है और पानी जो है लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद किस तरह से रोड जो है सड़क पर पानी पार कर गई है। और यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो हम आपको बता दें कि यहाँ पर दो नाव की व्यवस्था की गई है, दोनों छोर पर नाव खड़े हैं और खासकर यहाँ के जो आसपास के आने जाने वाले राहगीर हैं उनको नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के इस्माइलपुर का जो हाई स्कूल है और मिडिल स्कूल है और खासकर स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पर हैं वो जलमग्न नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचने के लिए खासकर नाव के सिवा कोई दूसरी साधन नहीं है। और यहाँ पर एक हाई स्कूल और एक माध्यमिक स्कूल है जहाँ पर जाने के लिए हर हाल में नाव की ही सवारी करनी पड़ेगी। और देख सकते हैं कि ये लगातार कोसी के बाद अब गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही थी और गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के बाद जिस तरह से इस्माइलपुर से जो है इस्माइलपुर क्षेत्र का यह नज़ारा अब देख सकते हैं कि पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है और लोग जो है नाव की सवारी करने के लिए मजबूर हैं। लोग नाव का सहारा लेकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा हालांकि भरसक प्रयास किया गया है सुविधा देने की, क्योंकि सड़क पर जो है पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा था और उसके बाद से आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ के जो है इस्माइलपुर क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर सड़क पर जो है सड़क पर पानी के बहाव के तेज वृद्धि के बाद जो पानी सड़क पर आ गई है उसमें बच्चे जो है स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद जो है आसपास के फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसानों को इसकी मार पड़ी है। और खासकर पुलिस जिला नवगछिया से इस्माइलपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क मार्ग जो है उस पर पानी ओवरफ्लो के बाद जो है आसपास के ग्रामीणों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खासकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक सिरे पर नाव की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा और दूसरे सिरे पर दो नाव की व्यवस्था की गई है। और लोग जो है अपने दिनचर्या में जो लोग वाहन के यूज़ करते थे वो वाहन की आवाजाही ठप हो गई है और सहारा जो है सिर्फ नाव बना है। तो कहीं ना कहीं गंगा में लगातार जलस्तर की वृद्धि के पास से पुलिस जिला नवगछिया और इस्माइलपुर के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बार बार जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ विकास कुमार सिंह, सिल्क टीवी।